वेलकम बैक टू चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल और स्वागत है आपका इस क्लास में जो कि आपकी ज्योग्राफी के एमसीक्यूज की क्लास एनवीएस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी के अगर इस टॉपिक की आप तैयारी कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो इसके लिए आपका ये जो वीडियो है वो काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको काफी सारे लिंक मिल जाएंगे जहाँ पर आपको कुछ वीडियोज मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगी, ठीक है ना। यहाँ पर एनवीएस के लिए जो टॉपिक्स है वो सारे मेंशन है प्ले लिस्ट में। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये वाला जो ग्रुप है ये एनवीएस टीजीटी एसएसटी वालों के लिए है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही चैनल जो है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो कर दीजिए लाइक अगर आपको पसंद आएगी तो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है इनमें से, यानी हमारी जो अर्थ है उसका जो आंतरिक स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना है, उसको समझने के लिए जो डायरेक्ट सोर्स है इनमें से वो कौन सा आप कह सकते हैं, कौन सा डायरेक्ट सोर्स है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी खनन माइनिंग जो है उससे भी आपके जो प्रमाण मिलते हैं वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है आंतरिक संरचना के बारे में पता करने के लिए पृथ्वी की। और दूसरा है ज्वालामुखी से निकली वस्तुएं। आपको पता ही है इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरीके के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर टू, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट जो आपका स्रोत है या सोर्स है वो कौन सा हो सकता है, बताइए जरा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ही क्या रहेंगे आपके इनडायरेक्ट सोर्सेज, जैसे कि अंतरिक्ष से प्राप्त आपका उल्कापिंड, भूकंप संबंधी क्रिया और गुरुत्वाकर्षण, ये तीनों ही सही है बिल्कुल। तो आंसर नंबर डी बिल्कुल जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थ्री है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे यानी कौन सी जो वेव है वो पृथ्वी के कोर में यानी क्रोड से गुजर सकती है। जब हमने चैप्टर पढ़ा था ये टॉपिक तो बहुत अच्छे से इसको समझा था। कौन सी तरंगे पृथ्वी के क्रोड से गुजर सकती है, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी तरंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है, ठीक है बताइए इनमें से कौन सा है प्रत्यक्ष साधन। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्वालामुखी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल इनमें से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है, यानी जो स्थल मंडल है लिथोस्फेयर जो है उसके बारे में सही बताता है बिल्कुल चीज, तो कौन सा कथन बिल्कुल सही रहेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भूपटल तथा ऊपरी जो मेंटल होता है वो मिलकर क्या बनाते हैं आपका स्थल मंडल, ठीक है। भूपटल यानी ये वाला क्रस्ट वाला जो एरिया है, इसके नीचे मेंटल जो होता है इसका ऊपर वाला एरिया, ये मेंटल जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, इसमें ऊपर वाला होता है एक नीचे वाला, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये और क्रस्ट वाला ये पार्ट, ये मिलकर क्या बनाता है आपका स्थल मंडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं, पृथ्वी के क्रोड पर यानी पृथ्वी के कोर में कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, निकिल तथा लोहा। और ये कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठोस के रूप में होता है, जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है आउटर कोर जो होता है वो कैसा होता है लिक्विड में होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है। निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सबसे ज्यादा होता है, यानी डेंसिटी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक क्रोड में। कहाँ पर, आंतरिक क्रोड में यानी इनर कोर में। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है बताइए इसका आंसर जल्दी से, तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6370 किलोमीटर, ये है इसका इसकी त्रिज्या, किसकी, पृथ्वी की त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर नाइन, मानव द्वारा अब तक की भूगर्भ में अधिकतम प्रवेधन यानी जो ड्रिल है वो कितना किया गया है, अब तक जो भूगर्भ में धरती में कितना ड्रिल किया गया है, कितना अंदर तक इसको खोदा गया है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी ऑप्शन, 12 किलोमीटर, ठीक है 12 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, मानव द्वारा अब तक भूगर्भ में अधिकतम प्रवेधन कहाँ किया गया है, अधिकतम ड्रिल यानी सबसे ज्यादा गहराई में कहाँ तक खोदा गया है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, कोला, ठीक है जगह का नाम है। नेक्स्ट है हमारे पास, भूकंप के अवकेंद्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 11, भूकंप के अवकेंद्र के लिए कौन सा जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है, तो इसका जो आंसर है वो जल्दी से बताइए, इसका आंसर रहेगा सी, ए तथा बी दोनों। भूगर्भ का वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है, आप कह सकते हैं इसको फोकस भी कह सकते हैं, यहां से ऊर्जा अलग अलग स्थानों पर जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, भूकंपीय छाया क्षेत्र कौन से क्षेत्र है, ठीक है भूकंपीय छाया क्षेत्र कौन से क्षेत्र है, यानी आपको शेडो एरिया की बात कर रहे हैं, कि आपको पता है कि अर्थ पर बहुत सारे ऐसे जगह होती है जहां पर शेडो हो जाती है, मतलब वहां पर आप जो वेव्स है
उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, भूकंप की जो तीव्रता है भूकंप को ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो उनको ही क्या बोलते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र। तो बताइए इसका आंसर क्या जाएगा, थोड़ा सा आपको आंसर लग गया होगा, वो गैस आपने कर लिया होगा। जहां कोई भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, वो जगह जहां पर तरंग कोई भी वेव रिकॉर्ड नहीं होती, अभिलेखित नहीं होती मतलब रिकॉर्ड नहीं होती। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा स्केल है यहाँ पर, इसका आंसर रहेगा बी, रिक्टर स्केल। अगर एक क्वेश्चन और आ सकता है आपका जो कि लास्ट ईयर भी आया था एग्जाम में, तो उसका आंसर क्या था, ये है आपका भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल है। एक आता है आपका विजिबल आपका होना चाहिए, मतलब भूकंप की वजह से कितना डैमेज हुआ है उसको नापने के लिए अलग स्केल आता है। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं उसका नाम कि वो कौन सा स्केल है? और ये जो होता है रिक्टर स्केल 0 से 10 नंबर का होता है, इस स्केल पर देखा जाता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी रही है। महासागरों के नीचे भूपट्टी की औसत मोटाई कितनी होती है, यानी उसकी थिकनेस होती है वो कितनी होती है क्रस्ट की, महासागरों के नीचे की बात हो रही है यहाँ पर ओशंस के नीचे, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी जो इनर कोर है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में यहाँ पर आपका क्रस्ट है, सबसे पहले क्रस्ट है, उसके नीचे वाली जो लेयर है वो है मेंटल। इसमें भी दो लेयर होती है आपकी, ऊपर और नीचे। तो अभी हमने डिस्कस किया था इन दोनों को मिलाकर तो क्या बना, स्थलमंडल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, वो लेयर जो स्थलमंडल के निर्माण में भी सहायता करती है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्बलता मंडल। क्या बोला जाएगा इसको, दुर्बलता मंडल। नेक्स्ट है, पृथ्वी का क्रोड, अगर आपको और अच्छे समझना है तो आप वीडियो मेरी जरूर देख लेना, ठीक है ना। पृथ्वी का क्रोड बना है, पृथ्वी का जो कोर है वो किस चीज से बना है, बताइए जरा आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी, यानी भारी पदार्थों से निकल व लोहा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर, वह यंत्र उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताए जिससे भूकंप की गति तथा तरंगे मापी जाती है। तो ये जो आंसर रहेगा आपका, ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। ठीक है, भूकंप की गति तथा तरंगे वेव्स नापने का काम कौन करता है, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से क्या भूकंप का प्रभाव है, यानी भूकंप के आने से क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए जरा आंसर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आएगा उपरोक्त सभी, यानी हिमस्खलन हो सकता है, आग लगना, भूमि का हिलना, ये सभी क्या होती है, ये सभी है प्रभाव भूकंप के। नेक्स्ट है 19, ज्वालामुखी के प्रमुख प्रकार, और सारे क्वेश्चंस आप एंड तक जरूर देखिए, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने आपसे लास्ट में पूछे भी, उनका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ज्वालामुखी के प्रमुख प्रकार है, यानी जो वोल्केनो है उसके टाइप इनमें से कौन कौन से हैं, तो बताइए आंसर, देखते हैं सही है या नहीं। आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी, विलुप्त, प्रसुप्त और सक्रिय। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, जो अर्थक्वेक है वो किस तरीके की नेचुरल डिजास्टर के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका बी, भौमिक। क्या आएगा, भौमिक। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, कौन सी इनमें से भूगोल की भौतिक शाखा, भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा सी, मानव शास्त्र। क्या, मानव शास्त्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है, तो इसका आंसर रहेगा आपका भूकंपीय तरंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, भूकंपीय तरंगे। नेक्स्ट है, दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा क्या, सी, प्रवाह, यानी मेल्ट होकर बहुत दूर तक जो बहता जाता है ना लावा, उसकी वजह से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल ठीक है, यानी सत्य है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, सियाल में ग्रेनाइट एवं अनीस दोनों चट्टानों की प्रधानता है, सीमा का निर्माण मुख्य बेसाल्ट और ग्रेबो जैसे चट्टानों से हुआ है, क्रोड में निकल तथा लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो इसका आंसर जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, सीमा। ठीक है, सीमा क्या होता है, सिलिकेट और मैग्नीशियम, सिलिकेट और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, बताइए जरा आंसर। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निकेल। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ ये है आपका निकेल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी 27 है, स्वेज जो है उन्होंने क्या क्या कहा? स्वेज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं था, यानी उन्होंने किस चीज के बारे में बात नहीं की। तो इसमें जो आंसर जाएगा वो डी जाएगा, सब स्टेटम, ठीक है। उन्होंने सियाल सीमा निफे की बात की थी, ऑप्शन नंबर डी की उन्होंने बात नहीं की। सियाल सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है, बताइए जल्दी से, बहुत ईजी हो गया अब तो आंसर आपके लिए। इसका आंसर जाएगा डी, स्वेज के द्वारा। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर, ठीक है, निम्नलिखित का सही क्रम आपको बताना है, बताइए सीमा, सियाल और निफे कैसे रहेगा सही क्रम। सीमा है यहाँ पर नंबर 1 पर, तो इसका जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा 29 का आंसर नंबर बी, ये जाएगा आपका सीक्वेंस 2, 1, 3, ठीक है, यानी पहले है सियाल, फिर है आपका सीमा और थर्ड है निफे। नेक्स्ट है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है, तो इसका आंसर जाएगा सी, निफे। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सबसे पहले सियाल शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका बी, स्वेस ने किया है। सियाल शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया है, स्वेस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है, स्थल मंडल को वर्णित करता है, तो इसका आंसर जाएगा सी, भूपटल व ऊपरी मेंटल। इसके बारे में भी मैंने क्वेश्चन आया था उससे रिलेटेड, तो वहां पर भी बात की थी। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर, निम्न में भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं, बताइए कौन से तरीके की तरंगे कहलाई जाती हैं, तो ये जो तरंगे आपकी ये कहलाती है पी तरंगे, यानी पी वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आंसर बताएंगे मुझे आप, ठीक है, इसका 34 और 35 का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। निम्नलिखित में से किस शहर में जो दिन की अवधि है, यानी जो दिन का समय है वो सर्वाधिक होता है, यानी दिन बहुत लंबे टाइम तक रहता है, ऑप्शन है आपके पास मुंबई, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है श्रीनगर और फोर्थ नंबर पर है दिल्ली, बताएंगे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर। निम्नलिखित में से कौन से शहर में, किस शहर में दिन की जो अवधि होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो ऑप्शन है आपके पास मुंबई, चेन्नई, श्रीनगर और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, निम्नलिखित में से किस राज्य की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, एक तरीके से आपको अपडेट वहां पर मिलता रहता है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और बाकी सारी वीडियोज देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा चेक कर लिया कीजिए, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाना, सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, ठीक है, बने रहिए।